plus b square equals to a plus b into a minus b. ठीक है, आपका देखिए स्क्वायर फॉर्म है ना, 28 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ना. तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे है ना, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, 6x equals to 28 plus 22 into 28 minus 22. ये आपका a plus b हो गया है और ये आपका a minus b हो गया. क्लियर हुआ? हेलो, तुरंत रिप्लाई करो. यस मैम. यस मैम. है यहाँ तक? यस. अब आपका 6x, हाँ 6x equals to 28 plus 22 को ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा. 8 yes. plus 2 10 carry 1 और 2 plus 2 और carry 1 का हो जाएगा 5, तो हो गया 50 plus 28 में 22 minus करें तो आपका 6 आया. ठीक है, अब 50 into 6 हो गया और equals to आपका left hand side में 6x है, therefore x equals to 50 into 6 divided by, ये आपको multiply form में है, right hand side में जाएगा तो divide form में हो जाएगा है ना. तो 6 और 6 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, 50. ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50. हाँ मैम, आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड बता दिया है. सेकंड और थर्ड आप लोग करो ना बेटा, वो होमवर्क में है, फर्स्ट वाला बता दियो, सेकंड थर्ड होमवर्क कर लेना. ओके मैम. ठीक है मैम, फोन आ गया था ना इसीलिए नहीं पता था मुझे. अच्छा अच्छा, ये आपका 92 और 88 है ना, सेकंड वाला देखो, 92 एंड 88, तो 92 को क्या लिखोगे, 90 प्लस 2, और 88 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 2. हाँ, और देखिए ये 503 और 497, तो 503 को क्या लिखोगे, 500 प्लस 3, और 497 को क्या लिखोगे, 500 माइनस 3. ठीक है, ये होमवर्क में ट्राई करना बेटा, नहीं आने से आपको पूछ लेना नेक्स्ट टाइम. हाँ मैम, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा बना लिया है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ओके मैम, आगे देखिए क्वेश्चन 7 का नंबर 1 क्लियर हुआ. बस हमने कुछ नहीं किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी है. ठीक है, 28 प्लस 22 किए तो 50 आ गया, 28 माइनस 22 किए तो आपका 6 आ गया. फिर x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 6 अपॉन 6, 6 6 कैंसिल, 50 आपका आंसर आ गया. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 50. ओके. यस मैम. कोई डाउट है? यस मैम. नो मैम, कोई डाउट. अच्छा चलिए, इसका सेकंड देखिए, 3x equals to 17 square minus 14 square. सेम वैसे ही अपन ने फॉर्मूला यूज करेंगे, a square minus b square. तो क्या हो जाएगा, a plus b into a minus b. क्लियर हुआ बेटा? अब अपन को तीन ही फॉर्मूला यूज करना है, इसमें a plus b होल स्क्वायर वाला, जो कि a square plus 2ab plus b square होता है, और a minus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको यूज करना है. आपका देखिए जो सेकेंड वाला है इसमें क्या है, सेम वही थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ठीक है, जैसे हमने इसका फर्स्ट वाला किए थे ना क्वेश्चन 7 का, सिमिलरली वैसे ही करना है ना. तो 3x इक्वल्स टू, ये क्या है, ए कितना है 17, बी कितना है 14, तो a प्लस बी यानी 17 प्लस 14 हो गया, और a माइनस बी हो जाएगा 17 माइनस 14. ऐड किए तो 31 आ गया और माइनस किए तो 3 आ गया. ठीक है, तो आपका 3x equals to 31 into 3, therefore x equals to आ जाएगा 31 into 3 upon 3. 3 3 आपका कैंसिल हो गया, आ गया आपका 3, यही आपका x की वैल्यू हो गई, यही आपका आंसर हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इसी का थर्ड देखिए, 19 सेम वैसे ही है, 19 x equals to 3 square minus 16 square. अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है. ठीक है, ये आपका देखिए जो 3 है, ये आपका स्मॉलर नंबर है,
और ये 16 क्या है? ग्रेटर नंबर है, बड़ी नंबर है कि नहीं है? जो डिजिट है आपका एक छोटा एक बड़ा है ना? तो देखिए छोटे बड़े में देखिए, फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट वाला में कब प्रॉब्लम जाएगा? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या है, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए, ज्यादा ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं है। देखिए 19 x कीजिए और अपने अपने माइक ऑफ कीजिए, तब सुनाई देगा आप लोगों को, ठीक है? मैम निधा का माइक ऑन है, मैं उसको हटा दूंगी, देखना रिमूव करूं। आप लोग बिल्कुल शांत रहिए, कोई बात नहीं, कोई मम्मी नहीं, शांत रहिए और सीधा मैम साई का भी माइक ऑन है। आप लोग देखिए 19x = सभी माइक ऑफ है। साई साई अपने आप माइक ऑफ कीजिए, साई मैम नहीं किया है। हेलो मैं रिमूव कर दे रही हूँ, हो गया रिमूव, ओके यस तो है। अंकित मैं रिमूव कर दूंगी, देखिए आप लोग शांत रहिए और सब अपने अपने माइक ऑफ करो। साई ये चांस हो दे रही है आपको, माइक ऑफ कीजिए नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। माइक ऑफ कीजिए साई, अपना माइक ऑफ कीजिए। मैम नहीं कर रहा है वो, रिमूव कर दो। हाँ बिल्कुल बेटा, रुकिए थोड़ा सा और देर, थोड़ी देर देख के नहीं करेगा ना तो फिर इसको हटा दूंगी बिल्कुल। चलिए अपना 19x = आपका आ गया 3² - 16², ठीक है? अब देखिए 19x = 3 + 16 और 3 - 16। आप शांत रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में रिमूव कर रही हूँ। आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने यूज किया, क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला है ना a² - b² का, यही फॉर्मूला हमने यूज किया। तो देखिए 3 + 16 आपका 19 हो गया, 3 - 16 कितना होगा? -13, क्योंकि आपका क्या है 3 - 16 है ना, 16 - 3 थोड़ी ना है, तो आपका जो ग्रेटर नंबर है 16 है, इसका साइन आपका माइनस है, इसलिए आपका -13 आएगा, ओके? x = 19 × -13/19 कैंसिल हो गया और x = आपका -13 हो गया और आपका यही क्या है आंसर। क्लियर हुआ मैम? नो मैम एक बार फिर से मैम, हाँ 19x = 3² - 16², ठीक है? तो आपका आ जाएगा 19x = 3 + 16 और 3 - 16 किए, क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² - b² होता है ना फॉर्मूला, ठीक है? आपका जो फॉर्मूला है a² - b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किए तो आपका आ गया 19x = 3 + 16 × 3 - 16। 16 और 3 को ऐड किए तो 19 आ गया, 3 में से 16 माइनस करेंगे तो -13 आएगा, ठीक है? 3 में से तो 16 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 16 में से 3 गया आपका तो कितना आ जाएगा, 16 - 3 = 13। लेकिन बड़े वाला नंबर क्या है 16, जिसका साइन नेगेटिव है, इसलिए आपका -13 होगा, ओके? यस मैम। हाँ तो 19x = 19 × -13/19, ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर्म में है 19 x के साथ में और यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा तो हाँ तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, 19 आपका कैंसिल हो गया और आपका आ जाएगा -13, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा?
ये आप लोग 17 का हो गया। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए, ये आपका एग्जांपल नंबर, देखिए एग्जांपल नंबर 7 के जैसे हैं। हेलो, ये आपका एग्जांपल 7 के जैसे हैं, आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ओके यस मैम। ओके मैम। हाँ, व्हाट्सएप में मैं इसके दे दूंगी नोट्स, आप लोग कलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्लासेस ओवर मैम। ओके मैम। हाँ मैम जो पैरेलल लाइन मैम आप जो पढ़ाए हो वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे? हाँ मैं व्हाट्सएप में दे देना, आप ले लो उसमें से। ओके ओके मैम। ओके मैम जल्दी बोलो बेटा। मैम जो चैप्टर 3 का पैरेलल लाइन है। हाँ तो अभी अपना चैप्टर 9 चल रहा है बेटा, तो डाउट होगा तो बाद में पूछ लेना। मैम प्रैक्टिकल को भी बनाना चुका है, हो चुका है बेटा, अभी मैं क्लास एंड कर रही हूं। हां मैम, कौन सा कॉपी मेरे को बताता हूं। हां हां ठीक है, ओके बेटा।